خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. एक शख्स ने पूछा है कि उसके पास 9 तोला सोना पड़ा हुआ है। अब वो रमज़ान से पहले उसमें से 2 तोला सोना अपनी बेटी को दे देता है, तो क्या इस तरह करने से वो ज़कात से बच जाएगा या शरण उसको छूट है ज़कात से? आमतौर पर बाज़ लोग जो हैं वो ज़कात से बचने के लिए इस तरह के हीले इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी शख्स ने ज़कात से फ़रार इख्तियार करने के लिए और ज़कात से बचने के लिए इस तरह का हीला इख्तियार किया, तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात तो नियतों का हाल जानती है, वो अलीम बिज़ात सुदूर है, इंसान के दिल के अंदर पैदा होने वाले जो ख्यालात हैं उन तक से आगाह है। इसलिए अगर किसी ने बदनीयती से ऐसा किया ज़कात से बचने के लिए और ज़कात से फ़रार इख्तियार करने के लिए, रमज़ान से पहले वो 9 तोले में से 2 तोले अपने बेटे या बेटी को या किसी को दे देता है ताकि ज़कात से बच सके, तो ज़ाहिर है कि इस तरह का हीला इख्तियार करना बजाय ख़ुद बहुत बड़ा गुनाह है, और ज़कात से बचने के लिए हीला इख्तियार करना ये उससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। लेकिन अगर वाक़ेतन वो अपनी बेटी को हकीकी ज़रूरत के तौर पर ज़ेवरात की शक्ल में उसको मालिक बना देता है और 9 तोले में से सिर्फ 7 तोले रह जाता है और इन 7 तोलों के साथ उसके पास कोई और रकम नकद नहीं है या कोई माल तिजारत नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, यानी वो माल जो कि ज़कात का माल तसव्वुर किया जाता है, जिस पर ज़कात अदा की जाती है, उसमें से अगर कोई वो माल नहीं है उसके पास, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात नहीं होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हर इतवार को मुनाकिद होगा। आप हज़रात हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, हमारा पेज है मरकज़ तालीम व तहक़ीक, वहाँ जाके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट में भी हमसे कोई मसला पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल है मरकज़ तालीम व तहक़ीक, वहाँ पर भी जाके आप कमेंट में हमें सवाल कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाब देंगे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।